अब आप कौन बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं आईपैड्स। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए केबीसी ऑफिशियल ऐप। बालवीर, ये तो बहुत अच्छी युक्ति लगाई आपने बर्फ को पिघलाने के लिए। रानी परी, ये किया मैंने जरूर है, लेकिन ये रास्ता मुझे गणेश जी ने दिखाया। सूरज की गर्मी से ये बर्फ पिघल सकती है, लेकिन सूरज दूर होने की वजह से वो इतनी गर्मी नहीं दे रहा है जिससे ये बर्फ पिघल जाए। लेकिन बर्फ तो पिघलानी है और हम सूरज को भी नीचे नहीं ला सकते, वरना पूरा परीलोक जल जाएगा। इसलिए मैंने ऐसी युक्ति बनाई जिससे सूरज की तेज गर्मी सीधे परीलोक पर ना पड़े और उतनी ही गर्मी परीलोक पर पड़े जितनी बर्फ पिघलाने के लिए जरूरी है। शाबाश बालवीर। शुक्रिया रानी परी। तू कहाँ जा रहा है? बापू जी, ये पहलवानों और मुस्तुंडों के सामने हम मैच जीतना तो दूर, सब अपने अपनी हड्डियां जरूर टूटवा लेंगे, है ना? स्कूटर लौटाने जा रहा हूँ बापू जी। लौटा दे बेटा, लौटा दे। जब फैमिली ही नहीं रहेगी तो स्कूटर पे बैठेगा कौन? बापू जी, हिम्मत रख, हिम्मत रख। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे, ये कमर तोड़ देगा, वो कलाई मरोड़ देगी, वो घुटना तोड़ देगा। बापू जी, अरे हाँ, मुंह तोड़ रहेगा नहीं, वो मुंह तोड़ देगा। बापू जी, आप मुझे समझा रहे हैं कि डरा रहे हैं? डरा रहा हूँ। तू चिंता मत कर, तू आगे जा, हम लोग तेरे पीछे। बापू जी, मैं कैसे आगे जाऊँ? बापू जी, डर लग रहा है मुझे। और अब कबड्डी का मैच शुरू होने वाला है, दोनों परिवार अपनी अपनी जगह ले ले। वाह मानव, वाह, इसे कहते हैं बहादुरी। बाबूजी, देखा मेरा बेटा कितना बहादुर है। जा मानव, जा। मैं क्यों? क्योंकि तू कैप्टन है, इसलिए। कम ऑन मानव, ये सोचने का नहीं, आगे बढ़ने का टाइम है। ठीक है। अरे जाना नहीं है तुम्हें, यहाँ आगे जाना है, वहाँ आगे। तो मानव दगली है दगली परिवार के वो पहले बहादुर खिलाड़ी जो भूखे और खुखार शेरों के पिंजरे में खुद चलकर आ रहे हैं। शेर बोल रहे हैं। कबड्डी
ठीक तो है ना? बड़े मुश्किल से शेर के पिंजरे से भागकर निकला हूँ। क्यों? क्योंकि क्या बात है, क्या बात है? इस बच्चे में कुछ खास बात है। क्या बॉस? आपके ये पहलवान एक चूहे को नहीं पकड़ पाए? सब शेर नहीं, भीगी बिल्ली है, भीगी बिल्ली। अरे सॉरी सॉरी, आप सब भीगी बिल्ली ने, अकेले मोंटू बॉस भीगी बिल्ली है। हाँ, क्या? मैं भीगी बिल्ली हूँ। सॉरी बॉस, ये रोहित लगता है भूल गया, या भीगी बिल्ली नहीं गधे और गधे। सॉरी बॉस। जी तो कर रहा है मेरा, किन पहलवानों से, उनसे पहले तुम्हें पिटवा दूं। मानव, एक बार तो तू बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। अब मैं मेरे सबसे तगड़े शेर को भेजूंगा, शेर पहलवान को। जाओ, आप जाओ। Come on, come on. हमने मानव को भेजा था, उन्होंने दानव को भेजा है। हाँ, और ये तो ऐसा दानव है, कंधा तोड़ है, किसी न किसी का तो कंधा तोड़ेगा ही। बाबा, ये देखिए, अमृता तगली जी ने वीरता का परिचय देते हुए लखानी परिवार के पहलवान प्लेयर को कैसे पकड़ रखा है। आक्रमण! ए पहलवान को पकड़ो! पकड़ो! अरे पकड़ो! अरे चल, पता नहीं थोड़े नीचे नीचे क्या नीचे नीचे। अरे अरे चाचा, अरे आप इसके पैर पकड़ो ना। अरे आज तक मैंने भगवान के अलावा किसी के पैर नहीं पकड़े, ये तो दानव है, इसके पैर मैं क्यों पकड़ू? पैर नहीं तो कमर पकड़ो ना। अगर मूत और जी ने ये बीच की रेखा छू ली तो पहले ही चांस में पूरी दगली फैमिली आउट हो जाएगी। साथ छुड़ी आपने, आउट आउट। अरे ये क्या, यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई, दगली परिवार की जगह लखानी परिवार का पहला प्लेयर आउट हो गया। एक मिनट, दादाजी हम तो जीत गए, छोड़ दीजिए। अरे, अरे मैंने इसे नहीं पकड़ा, मैं अटक गया हूँ। बालवीर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बहुत ही जरूरी बात पर हम ध्यान देना भूल गए। देखो बर्फ तो पिघल रही है, लेकिन उससे जो पानी बन रहा है उसे परीलोक का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाढ़ आ जाएगी।
परी लोग बर्फ से तो बच जाएगा लेकिन पानी में डूब जाएगा। हाँ रानी परी, ऐसे तो परियां और परी लोग ठीक होने के बावजूद खतरे में ही रहेंगे। अब क्या करें रानी परी, कैसे इस बढ़ते हुए पानी को परी लोग से निकाले? कमर बढ़िया, क्या अटके? किसने सिखाई अटकना? बापूजी मैंने कब सिखाया अटकना? अरे तू इसे अटका, मतलब इसे चुप करा। अब जाने दिया। अब कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। पास घर जाऊं? मैं इसको घर छोड़ के आता हूँ। अभी कोई कहीं नहीं जाएगा, आज सिर्फ मैं जाऊंगी। लेकिन मेहर अभी मानव अभी या बाद में जाना तो सबको पड़ेगा ना वहाँ, इसलिए अभी मैं जाऊंगी। खुश रहो मेहर, विजय विजय रहो मेहर। अल्टन बेटा रुक जाओ, कोई बीच में नहीं आएगा। ये मेरा शिकार है, इसकी कलाई तो मैं ही मरोड़ूंगी। कबड्डी 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 कबड्डी। कलाई मरोड़ बुआ ने तो अपनी जीत पे खुश होना भी शुरू कर दिया है। कबड्डी 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 कबड्डी। आई बड़ी कलाई मोड़ने। ये तो कमाल पे कमाल हो रहा है। लग रहा था कि लखानी परिवार आराम से जीतेगा, लेकिन यहाँ तो लखानी परिवार के ही दो प्रतियोगी आउट हो चुके हैं। यस। और अब मारूंगा मोंटू पास, मतलब भारी मोंटू पास। मतलब दुश्मनों पे भारी पड़ेंगे ना मोंटू बॉस। अंकल जाओ अंकल, और बता दो कि आप कमर तोड़ो। कमर तोड़ तो मैं हूँ। ओ आप घुटना तोड़े? अरे वो तो मैं हूँ। तो फिर आप है कौन? अरे भाई मैं मुंह तोड़ूं। खबरदार, जो आपने मोंटू बॉस का मुंह तोड़ा तो। हाँ हाँ, पहले से इनकी शक्ल इतनी खराब है और खराब हो गई तो। ए, क्या बोला? मेरा नाम मुंह तोड़े? तुम दोनों बाहर मिलो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ता हूँ। ए, क्या बोला? नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, इन्हें कहा, आप जाइए। अभी आपसे कहा मैंने कि आप जाइए। ठीक है ठीक है। अब की बार लगता है कि मुंह तोड़ भाई साहब ठान के आए हैं कि सबको एक ही बार में आउट करेंगे। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे समझते नहीं क्या? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। कबड्डी 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 कबड
आएगा तो ये। अरे रुको, एक मिनट। मसाले वाली चाय कौन पिएगा बोलो? हम पिएंगे पिज़्ज़ा और बर्गर के साथ। अरे चाय तो मैं भी पीऊंगा, चीनी रोक के और पत्ती ठोक के। साथ छोड़िए आपने, आउट। ये क्या, इन्होंने साथ छोड़ी और अब इन्हें गेम छोड़नी पड़ेगी। अब हम बाहर जाकर चाय पियो। बड़े आए, चीनी रोक के पत्ती ठोक के, अब मैं छाती ठोक के कहता हूँ चलो बाहर निकलो। तुम्हारे जाने से हमारी टीम आ गई बाहर। इसी के साथ लखानी परिवार को एक और झटका। अब कौन जाएगा? मैं पहले ही मना कर देता हूँ। मैं आप जाओगे चाचा जी? अरे नहीं, मैं तो कह रहा था कि वहाँ जाके सबके छक्के छुड़ा दोगे। नहीं नहीं। अच्छा मैं समझ गई, आपको बहुत जल्दी जाने की है ना? नहीं। अरे अरे बाप रे, इन तीनों को देखकर मेरे पहले वाली गोली की नशा उतर गई। लगता है दूसरी गोली खानी पड़ेगी, लेकिन कैसे खाऊंगा? कम ऑन चाचा जी। हाँ अरे ये पहले तीन थे अब छह हो गए, और वो भी जुड़वा। बोले शंकर मिटा दे ये कंकर। राबड़ी राबड़ी राबड़ी। अरे चाचा जी राबड़ी नहीं कबड्डी। हाँ हाँ। बल्लू वापस आया तो मिलेंगे, नहीं तो कबड्डी के यहाँ। कबड्डी 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 वो रही बीच की रेखा, एक बार वहां तक पहुंच गया तो जीत हमारी होगी। कबड्डी 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 कबड्डी। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये पूरा परीलोक पानी में डूब जाएगा। हाँ बालवीर, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हम पानी को सुखाने की कोशिश भी करें तो एक साथ इतना सारा पानी नहीं सुखा पाएंगे। ये देखिए रानी परी, पानी का स्तर अपने आप कम हो रहा है। ये तो चमत्कार है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कौन कर रहा है ये? इस जग के सबसे बड़े चमत्कारी
विघ्नहर्ता सुखकर्ता का चमत्कार है बालवीर। बनेगा करोड़पति के सभी आकर्षक बिहाइंड द सीन और सेलिब्रिटी वीडियोस देख सकते हैं kbcsony.com पर। kbcsony.com पर आप खेल सकते हैं केबीसी गेम्स और जीत सकते हैं आईपैड्स। इस ग्लोब क्विज में आप अपने कंट्री से संबंधित सवालों को चूज कर सकते हैं और पा सकते हैं इंस्टा हॉट सीट पर बिग बी के साथ फोटो खिंचवाने का मौका। तो जल्दी कीजिए और लॉग ऑन करें kbcsony.com पर और आज ही डाउनलोड कीजिए KBC ऑफिशियल ऐप।